कल मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको बोल दिया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर चला जाता है, तो उस जब वो नीचे आएगा दोबारा दूसरी बार, तो हम इसमें यहाँ पे एंट्री लेंगे कॉल साइड पे, ठीक है। तो ये आज सिचुएशन नहीं बनी, ठीक है, आज के लिए वो डिमांड वाली सिचुएशन नहीं बनी। और मैंने कल ही कहा था कि बैंक निफ्टी में डिमांड वाली सिचुएशन अभी तक बनी नहीं है। क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में अगर डिमांड वाली सिचुएशन नहीं बनती है, तो क्या सप्लाई कंटिन्यू कर सकता है बैंक निफ्टी? इसके लिए मैंने जो क्लियर कट कल आपको बोल दिया था, बिल्कुल एक ना एक वर्ड यहाँ पे असल में साबित हो चुका है। और ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा किस तरीके से, और जिस लेवल के नीचे जाने के बाद हमें पुट लेना चाहिए था, मतलब श्योर शॉट वहाँ पे जाने के बाद अगर आप पुट लेते हो तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, ये मैं 101% गारंटी से बता रहा हूँ। वो कैसे, ये भी अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। दोस्तों दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों डिमांड क्रिएट होने के लिए बायर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सेलर्स कम होनी चाहिए, सेलर्स की पावर कम होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ उसी लेवल पे, जैसे कि इससे पहले भी बैंक निफ्टी ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया था। देखिए ये सप्लाई लेवल इससे पहले भी यहाँ पे आया और यहाँ से घूमा था, फिर कल भी यहाँ पे आया और यहाँ से ही घूमा था, और यहाँ पे देखिए आज भी यहाँ पे ओपन हुआ और वहीं से सप्लाई शुरू हो गया। तो ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है सप्लाई का, 42,700 का जो ये लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ से जब भी वहाँ तक जाता है बैंक निफ्टी, वहाँ से नीचे आता है, ठीक है। तो अब आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर नहीं जाता है और नीचे आता है तो वहाँ पे हमें किस साइड पे पुट लेना चाहिए। उसके लिए मैंने दो लेवल्स दिए थे। देखिए पहला लेवल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोल दिया था कल। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। और ये है दूसरा लेवल, ठीक है। तो मैंने खास करके दूसरे लेवल के नीचे जाने के बाद ही आपको लेने को बोला था, और पहले लेवल के नीचे लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है, देखिए मैंने कट टू कट बोला है, देखिए आप यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, आप वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से निकाला हुआ है साइकोलॉजी लेवल पे। देखिए अगर यहाँ पे जाता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से जाता है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि तो आप दूसरी दूसरी बार जब ऐसे जाएगा तो आप दूसरी टाइम भी ले सकते हो। तो आपको बता दो कि मैंने इसमें पुट लिया था सेकंड कैंडल में, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद इतनी सारी डिमांड कैंडल बनेगी, लेकिन मैंने इसमें लिया था और उसमें मेरे 25 पॉइंट्स अचीव भी हो गए। 245 का मैंने एक पुट लिया था, 42,000 का पुट लिया था, उसका प्राइस था 245 और मैंने 25 पॉइंट पे उसे बेच दिया 260 पे, लेकिन उसके बाद वो 307 रुपये हो गया था। तो यहाँ पे कितना सिक्योर है अगर इस तरीके से आप ट्रेड लेते हो। उसके बाद यहाँ पे डिमांड बढ़ी वो बात अलग है, लेकिन जब मैंने लिया उस तब तक तो यहाँ पे डिमांड नहीं बनी थी, तो मेरा टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। इसलिए मैं दूसरी लेवल पे जो कहता हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी लेवल पे अगर आप एंट्री लेते हो, लेकिन एंट्री जो आपकी बननी चाहिए वो बहुत जल्दी बननी चाहिए। और बहुत जल्दी एंट्री किस तरीके से बनती है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर इस साइकोलॉजी को समझ लीजिए आप, देखिए इस इतना नीचे आया है और यहाँ पे बायर नहीं बने और यहाँ पे सेलर बने, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बायर आ गए हैं, ठीक है, और ये एक रेड कैंडल बना है छोटा, उसके बाद तब तक हमें वेट करना है, उसके बाद वाली कैंडल देखना है। अगर उसके बाद वाली कैंडल रेड बन गई तो उसमें तुरंत एंट्री ले लेनी है, तुरंत मतलब जैसे ही कैंडल बनेगी। अगर 15 मिनट का कैंडल है तो आप 1 मिनट के लिए वहाँ पे वेट करो, 30 सेकंड के लिए वेट करो, लेकिन आपको अगर आप हर रोज़ कैंडल्स देखते हो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि यह कैंडल स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग होने वाली है, तो तुरंत एंट्री कर लो। और जैसे ही एंट्री कर लो सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है, वेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मार्केट इस तरीके से घूम के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो हमें स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस इज़ अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप कहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होना है तो ऐसा नहीं हो सकता है,
ऐसा नहीं हो सकता। आपको महीने में एक दो स्टॉप लॉस तो देने ही होगे ना, क्योंकि अगर एक दो तीन स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो बिजनेस क्या करोगे भाई, ठीक है। तो वो भी एक माइंडसेट आपका दिमाग में होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हो गया तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि अगर नीचे आएगा, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कट टू कट आपको बोला था, बिल्कुल वही हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कल के लिए बैंक निफ्टी में डिमांड कब शुरू हो सकती है और सप्लाई कब शुरू हो सकता है। तो ये अच्छा हो गया, बैंक निफ्टी नीचे आ गया, बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि इतना ऊपर डिमांड इसके ऊपर जाके बनना तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था, लेकिन अब डिमांड यहाँ से नीचे आया है तो डिमांड अब यहाँ पे नीचे आराम से बनेगा। तो यहाँ पे मैं सभी के ड्राइंग निकाल देता हूँ। पहले हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, बिल्कुल ये है हमारा रेजिस्टेंस। देखिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है सपोर्ट। पुल बैक तो यहाँ पे है, पुल बैक ये दोनों दोनों साइड एक जहाँ पे जाके, देखिए ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे जाके नीचे आया है, तो इसलिए ये स्ट्रांग वाला पुल बैक है। तो यहाँ पे पुल बैक लिंक लगा दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि डिमांड कब शुरू होगी मार्केट में। देखिए अगर कल यहाँ ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर चला जाता है बैंक निफ्टी, गैप अप हो कहीं पे भी ओपन हो, 42,180 पकड़ लीजिए, अगर समझ लीजिए कि यहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होता है ऊपर चला गया, इस लेवल को नहीं ब्रेक करा फिर ऊपर गया, तो तुरंत नहीं एंट्री लेनी है, ठीक है। उसे और एक बार सेलर एक्टिव होने दीजिए। अब सेलर एक्टिव होने दीजिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर सेलर नीचे नहीं ले आ पाते मार्केट को, इसका मतलब है सेलर वीक है, तो मार्केट और नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सेलर नीचे नहीं ला पाते तो सेलर मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, और बायर स्ट्रांग है, और जैसे ही बायर स्ट्रांग बनेंगे तो बाकी लोग भी इसमें टूट पड़ेंगे, यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से लोग आएंगे, और मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो डिमांड लेवल कल शुरू हो सकता है हमारा 42,180 के ऊपर। और सप्लाई लेवल के बारे में बताता हूँ, सप्लाई लेवल यहाँ पे देखिए, अगर इसके नीचे कल 41,850 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, या फिर ऐसे ही चलो, और फिर एक बार आके 41,850 को नहीं ब्रेक कर पाता है और नीचे की ओर चला जाता है, तो यहाँ पे सप्लाई लेवल एक्टिव हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको पहले टर्न पे नहीं एंट्री लेनी है, उसे और एक चांस देना है ऊपर आने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ से आ गया, ऊपर आ गया पहला टर्न, तो ऊपर आने का चांस देना चाहिए। अगर ऊपर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि सेलर वीक हो गए हैं, सॉरी बायर वीक हो गए हैं, सेलर स्ट्रांग हो गया, तो सेलर की साइड पे एंट्री लें। हमें जो आदमी स्ट्रांग है उसके साइड पे एंट्री लेनी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तब यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट्स भी निकाल दिए कौन से 41,850 और ऊपर वाला जो है डिमांड शुरू होती है 42,180 का। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एंट्री ले लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि हम कभी कभार बहुत जल्दी एंट्री करते हैं इमोशन पे। देखिए मैंने भी आज दोपहर को लगभग 2:30 बजे ट्रेड लिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बजे है, 14:15 इस वक्त लिया। तो मैं सुबह से लेके यहाँ तक क्यों रुका हूँ भाई, इतना अच्छा मार्केट नीचे आ रहा था फिर भी मैं क्यों रुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये बात बैठी थी ये जो लेवल मैंने यहाँ पे दिया है ये वाला, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है डिमांड, और ये जो लेवल मैंने बताया था आपको इसके नीचे है सप्लाई। तो अब इस लेवल में मैं ये पोजीशन बनने की राह देखी, ये पहला बना फिर भी मैं इसमें नहीं गिरा, फिर दूसरी देखी और यहाँ तक। तो इस तरीके से सेटअप बनने दीजिए भाई, प्लान बनने दीजिए, ठीक है, प्लान बनने दीजिए, व्यू व्यू रचना जिसे बोलते हैं उसे दिमाग में रखिए, प्लान बनाइए, क्योंकि ये वॉर जोन है। वो इस बुल ट्रैप और बियर ट्रैप पे भी एक अच्छा वीडियो बनाया है,
जिसमें हम किस तरीके से ट्रैप होते हैं, बुल्स हमें किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं और बियर्स हमें किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, मतलब बायर्स किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं और सेलर्स किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रैपिंग से बचना चाहते हो, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत होती है मार्केट में, तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखिए। वो वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखें। आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।